शिवपुरी के फतेहपुर चौराहा हनुमान मंदिर के पास नाले में एक अज्ञात लाश मिली थी। सूचना मिलते ही पुलिस टीम और एफएसएल टीम मौके पर पहुंची और घटनास्थल का मुआयना किया। उक्त आधार पर थाना कोतवाली में अज्ञात आरोपी के विरुद्ध अपराध दर्ज कर विवेचना में लिया गया। विवेचना में अज्ञात मृतक की शिनाख्त उसके भाई द्वारा की गई, जो मृतक निवासी सेसई कोलारस के रूप में हुई। पुलिस अधीक्षक राजेश सिंह चंदेल ने उक्त अंधे कत्ल के मामले को चुनौती के रूप में लेकर पुलिस टीम का गठन किया। पुलिस टीम द्वारा अज्ञात आरोपी की पतारसी के संबंध में लगातार प्रयास कर साक्ष्य एकत्रित किए गए। शहर के सीसीटीवी कैमरों की फुटेज खंगाली गई, जिस पर से चार आरोपियों द्वारा मृतक की निर्मम हत्या करना पाया गया। उक्त आधार पर चारों आरोपियों की पतारसी की गई। दिनांक 30/3/2021 को सुबह सूचना मिली कि तीन आरोपी रेलवे स्टेशन पर खड़े हैं एवं कहीं बाहर जाने की फिराक में हैं, एवं एक आरोपी पुरानी शिवपुरी में अपने रिश्तेदार के यहाँ पर छिपा है। उक्त सूचना के आधार पर पुलिस टीम द्वारा दबिश देकर चारों आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया गया है। आरोपियों के कब्जे से मृतक का पर्स एवं कागजात एवं घटना में प्रयुक्त तो दो पहिया वाहन जब्त किए गए हैं। शिवपुरी से यूसुफ खान की रिपोर्ट। थाना कोतवाली में फतेहपुर में कल सुबह एक लाश मिली थी नाली पर, उसको देखने से लगा था कि कुछ छोटों की वजह से उसका हत्या हो गया। लेकिन टाइम देखते उसमें जब पता किया गया था तो व्यक्ति शराब हो गए थे। पास में हाईवे के पास के गांव का ही व्यक्ति था और उसने फिर पुलिस की टीम जो है जिसमें एसयूपी सुधीर कुशवाहा, बादाम सिंह यादव, उनके अन्य थाना कोतवाली के लोग लगे थे। उसमें उनकी जो मेहनत करी उन्होंने और बाकी बारीकी से सर्चिंग करी तो उसका खुलासा हुआ है। उसमें चार आरोपी हैं जिनको पकड़ा गया है, जिन्होंने अपराध कबूल किया है। कारण यह आया है कि उनमें से एक व्यक्ति जो है वहाँ पर कोई किसी व्यक्ति से किसी के घर में आना जाना था, जिसकी वजह से दूसरे किसको नागवान गुजरता था आरोपी को, और उस वजह से उसने उसकी हत्या कर दी और उसको थोड़ा उस जगह से हटा कर दूसरी जगह पटका था ताकि उन पर शंका नहीं हो। लेकिन पुलिस को वहाँ पर आसपास क्षेत्र में सीसीटीवी वगैरह लगे थे, जिससे जानकारी पूरी क्लियर हुई और उसके आधार पर ये अच्छी प्रोफेशनल कामयाबी मिली है और 24 घंटे में इस हत्याकांड का खुलासा करके चारों आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया गया। हेलो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं हमारा चैनल SW24 न्यूज। हमारे सारे वीडियो सबसे पहले देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और पास में लगे बेल आइकन को दबाना बिल्कुल भी ना भूलें।